क्योंकि हमें बहुत सारे लोग वो देखते हैं जो हमारी तरह हैं, जिनका पीछे से कोई बैकग्राउंड नहीं है, है ना, जो आके स्ट्रगल करके आगे कुछ बनना चाहते हैं, तो उनके लिए सारे जितने भी लोग आए थे वो सब एग्जांपल्स हैं। सो मुझे लगता है कि बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अमेजिंग था। 2022 की मैं बात करूँ, 2022 कुछ ही दिन में ख़त्म होने वाला है, 2023 की शुरुआत हो रही है, प्रिंस किस तरह 2023 को दिखा, क्या कुछ फैंस के लिए नया आने वाला? 2022 के दिसंबर में हमने दो बड़े हिट गाने दिए हैं, एक मेरा मनावा का जो ग्लोबल चार्ट पे अभी नंबर वन ट्रेंड कर रहा है इंडिया में, और एक और जो मेरा और परमेश का रफ्तार भाई का है वो गाना, वो भी ट्रेंड कर रहा है। सो 2023 में बहुत सारे गाने मिलने वाले, एल्बम मिलने वाली है, वो साल पूरा म्यूज़िक हुआ है, और आप सबको देखिएगा कि लोग हमें कितना प्यार कर रहे हैं उसके लिए, तो वो बस प्यार बना रहे और आप सबको हम एंटरटेन कर रहे हैं। शुरुआत लॉकअप से हुई थी, काफ़ी अमेजिंग था, उसमें प्यार काफ़ी आपको मिला, उसके बारे में अभी लॉकअप 2 की भी चर्चा हो रही है, क्या आपको फिर से लॉकअप 2 में या फिर बिग बॉस के कोई भी एपिसोड? फर्स्ट ईयर तो ऐसा था ना कि वो शो में जाकर कुछ अलग करना था, तो हमें वो था, आई डोंट नो, पर यस, अगर कुछ अलग तरह से जाने का मौका मिला तो ज़रूर मैं शो को कुछ देकर ही आऊँगा। अच्छा था प्रिंस, इसके अलावा बिग बॉस भी चल रहा है मुनावर की, आप किस तरह बिग बॉस फॉलो कर पा रहे हो? मैं इस साल सच कहूँ, मैं इस साल बिग बॉस फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हर साल बिग बॉस फॉलो करता रहा, आई डोंट नो, मेरे को शायद इतना पसंद नहीं आ रहा इस साल, यह रीज़न है या फिर मैं बहुत बिजी हूँ, वो रीज़न है मेरे को नहीं पता, पर हाँ कुछ लोग हैं जो मुझे पसंद है, शिव पसंद है क्योंकि वो हमारे रोडिस का ही है ना, वो बहुत ही अच्छा लड़का है और वो एक्चुअली में बहुत ही अच्छा इंसान है। प्रियंका पसंद है, वो अच्छा खेल रही है जो मैंने क्लिप्स में देखा है, और अब्दू है, पता नहीं चला, शायद चला गया ना, अब्दू नहीं है, हाँ तो अब्दू, ये तीन लोग तो मुझे एमसी स्टैन, क्या आपके टॉप थ्री यही है? टॉप फोर मेरे यही है, एमसी स्टैन, अब्दू एंड शिव और प्रियंका। और इसके अलावा 2023 में शुरुआत में किस तरह के प्रोजेक्ट? सो 2023 में मेरा और पहला गाना, एल्बम का पहला गाना आ रहा है मेरा और GD47 का जो हसल में था, सो हसल में आपने सबने वो देखा होगा GD47 को, उसका मेरा गाना आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग, वो January 15 तक रिलीज़ हो जाएगा। सो बहुत ही प्यारी जगह है एंड इंटीरियर का बहुत ही ब्यूटीफुल है, आई थिंक जितने दिन में ब्यूटीफुल लग रही है इससे ज़्यादा शाम को ब्यूटीफुल लगेगी, तो एक दिन मुझे शाम को आना पड़ेगा अपनी वाइफ के साथ इस जगह का और मज़ा लेने के लिए। सो थैंक यू सो मच यार, अभी थैंक यू या।